Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a fourth year medical student at Kazan State Medical University, Russia. And in today's video, we are going to be talking about one of the highly searched question, and that is scope and opportunities after abroad MBBS. जब भी आप abroad MBBS के बारे में सोचते हो तो आपके मन में भी ये doubt एक ना एक बार जरूर आया होगा कि रशिया में जो MBBS का जो program होता है वो उसकी क्या value होती है, उसकी क्या validity होती है इंडिया में, या फिर अगर आप किसी अपने friend या relative से बात कर रहे हो तो उनका जो perspective होता है वो भी often एक negative way में रहता है कि वहाँ पे जाने के बाद, रशिया में आने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं है। तो इन सारे मिथ्स को डिबंक करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि MBBS की डिग्री इंजीनियरिंग या अदर कोर्सेज की तरह नहीं है कि आप ग्रेजुएट हुए एंड किसी भी कंट्री में जाकर के जॉब अप्लाई कर दिया एंड यू गेट अ जॉब। इट्स नॉट लाइक दैट। अनलाइक अदर प्रोफेशन, डॉक्टर इज अ जॉब व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल सेट and practical knowledge which needs to be tested before you enter this profession, because yahan pe sirf salary ki baat nahi ho rahi hai, yahan pe actual death and life ka sawal hai. So in this video I'll be talking about mainly three things. First, validity of Russian MBBS program. Second, which countries you can practice as a doctor after your graduation. Non-clinical and clinical job opportunities in India and in abroad after graduation. तो अगर वैलिडिटी की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ऑब्वियसली कंट्रीज हैं एंड उन कंट्रीज में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो अब कौन सी कंट्री का मेडिकल कॉलेज का डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड, उसको आसान बनाने के लिए WHO ने एक डायरेक्टरी बनाया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। वहां पे क्या होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको सर्च बार में डालना होता है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का डिटेल आ जाता है उस वेबसाइट पे तो इट मींस जो आपका MBBS का जो करिकुलम है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वो रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड। लेट मी रिमाइंड यू कि रिकॉग्निशन एंड वैलिडिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रिकॉग्निशन जस्ट सिंपली मींस आपकी यूनिवर्सिटी का जो MBBS का जो करिकुलम है वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का डिटेल इस वेबसाइट पे आ जाता है तो इट मींस कि आप किसी भी कंट्री में जाकर के वहां का जो रेजिडेंसी एग्जाम्स होता है उसको क्रैक करने के बाद आप उस कंट्री में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट होता है, बेसिक डाउट जो होता है, रशिया का जो MBBS का जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं, तो प्लीज जाकर के सबको बता दो कि यस ऑफ कोर्स यहां का जो प्रोग्राम है वो वैलिड है। तो अगर कंट्रीज की बात करें तो दुनिया के 7-8 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। इट्स लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, अबू धाबी, जर्मनी, दीज आर सम फ्यू ऑप्शन। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जहां पे US, UK का नाम ले लो तो आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो एक एक करके मैं सारे कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि वहां पे आप एज अ डॉक्टर या एज अ जनरल प्रैक्टिशनर कैसे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो कंट्री आता है वो है USA। ये बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है एंड US में जो डॉक्टर्स की जो सैलरी होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अब्रॉड MBBS में एडमिशन लेने के पहले US फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो US में आपको अगर अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपना MBBS कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद US की रेजिडेंसी, इट मींस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको एंटर करने के लिए USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन नाम करके 3-स्टेप का एक एग्जाम होता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ USMLE के बारे में बात करें तो इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 3 में टोटल खर्चा आता है $25,000। यस, यू हर्ड इट राइट। काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है अब्रॉड MBBS में एडमिशन लेने के पहले, एंड $25,000 रफली ट्रांसलेट्स टू 20 लाख इंडियन INR। क्या बात कर रहे हैं? एंड ये एक काफी बड़ा अमाउंट होता है रशिया में एक MBBS डिग्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए 20 लाख में। एंड ये $25,000 जो है ये सिर्फ एग्जाम की फीस है। इट डजंट गारंटी यू एनी जॉब इन अमेरिका। सो इट्स अ डेफिनेटली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम, बट इट्स ऑल्सो वेरी ल्यूक्रेटिव बिकॉज वहाँ पे जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है वो वन ऑफ द हाइएस्ट इन अमेरिका है। इंडिया में काफी सारे स्टूडेंट्स को कॉस्ट ऑफ USMLE एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता। सब लोग USMLE चिल्ला रहे होते हैं, ये गड़बड़े बाबा। एंड USMLE एग्जाम निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम इन द वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंट्री, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, UK। यहाँ पे जो एग्जाम होता है PLAB, दैट इज नॉट अ रेजिडेंसी एग्जाम, इट्स मोर ऑफ वो एक्सेप्ट करते हैं आपको एज अ जूनियर डॉक्टर। इट्स इक्विवेलेंट टू पोस्ट इंटर्न जॉब इन इंडिया। फ्रेश MBBS ग्रेजुएट जो होता है PLAB के क्रैक करने के बाद आपको इक्विवेलेंट उसी टाइप का ही जॉब मिलता है। तो PLAB एग्जाम कंपेरेटिवली USMLE से ईजी होता है एंड इसका जो कॉस्ट एग्जाम है वो भी रफली $8,000 to $10,000 होता है। तो PLAB एग्जाम दो पार्ट में होता है, PLAB 1 एंड PLAB 2।
प्लेब 1 में एमसीक्यू एग्जाम्स होते हैं एंड जो प्लेब 2 होता है वो ऑस्की प्रैक्टिकल्स होता है। प्लेब एक बार जैसे ही क्लियर होता है आपको F1 डॉक्टर बना दिया जाता है, वहां पे आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो, देन आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर यू आर प्रमोटेड टू FY2 डॉक्टर। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि जो FY1 एंड FY2 डॉक्टर होता है वो गारंटी नहीं देता है आपको स्पेशलिटी या रेजिडेंसी का, इज जस्ट इक्विवेलेंट टू पोस्ट इंटर्न जॉब इन इंडिया। अब थर्ड कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं एंड दैट इज जर्मनी। यहाँ का जो रेजिडेंसी का जो प्रोग्राम है वो काफी ट्रिकी होता है बिकॉज काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर होता है इसका एंड यहाँ पे जो फोकस होता है वो मेनली जर्मन लैंग्वेज के बारे में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको जर्मनी में अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करनी है तो आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि जर्मन लैंग्वेज आप स्टडी करो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जर्मनी में अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करने के पहले आपको 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप इंटर्नशिप कहीं से भी कर सकते हो, आपके होम कंट्री से भी कर सकते हो या आप जिस भी कंट्री में आप MBBS कर रहे हो वहां पे भी 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप रिक्वायर्ड होता है। एक वेबसाइट मुझे मिला है जो कि काफी हेल्पफुल है, उस वेबसाइट ने इजीली एक्सप्लेन किया है सारे प्रोसीजर को। आई लिंक डाउन द वेबसाइट लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर के विजिट करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर जर्मनी। तो फोर्थ नंबर पे जो कंट्री आता है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें की 2 सिटीज मेजर है, दुबई एंड अबू धाबी। एंड इन दोनों सिटीज में ऑलरेडी काफी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। दुबई में आपको एंटर करने के लिए ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम देना होता है, अगर आप उसको क्लियर कर ले जाते हो देन यू कैन इजीली गेट डॉक्टर्स जॉब इन दुबई। तो उसी तरीके से अगर अबू धाबी में आपको प्रैक्टिस करना है तो हार्ड हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एग्जाम कराता है एंड उस एग्जाम को निकालने के बाद आपको एज अ डॉक्टर अलाउ किया जाता है प्रैक्टिस करना अबू धाबी में। नाउ कमिंग टू 5th कंट्री ऑन आवर लिस्ट एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो यू कैन गिव द एग्जाम्स AMC, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल करके होता है। अगर आपको AMC के बारे में ज्यादा जानना है तो ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कि डॉक्टर भी है ऑस्ट्रेलिया में एंड उन्होंने ये वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लो, आपको बहुत यूजफुल इंसाइट्स मिलेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मूव इन करना चाहते हो तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर कंट्री इंडिया, हमारा देश इंडिया। वहां पे जाकर के आप इंडिया में भी, सिंस जो रशिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होती है, अगर आप MCI का जो FMGE एग्जाम होता है वो अगर आप क्रैक कर लेते हो आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाकर के आप जॉब कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज निकलती हैं डॉक्टर के लिए, वॉक इन इंटरव्यू होता है, आप अप्लाई कर दो, आपका इंटरव्यू होगा, इफ यू गेट सिलेक्टेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ डॉक्टर इन इंडिया। तो MBBS करते करते कुछ लोगों को रियलाइज होता है कि उनको एज अ हार्ड कोर डॉक्टर जो प्रोफेशन है उसमें दे कांट सर्वाइव और दे डोंट विश टू कंटिन्यू, देयर आर ऑप्शंस फॉर देम आल्सो एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज डूइंग MBA। यस यू हर्ड इट राइट, MBBS करने के बाद अगर आप MBA कर लेते हो, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो, जैसे कि इंडिया में एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, तो इन सारे हॉस्पिटल्स में आपको मैनेजरियल लेवल पे अपॉइंट कर दिया जाएगा बिकॉज दे नीड समवन फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। MBA करने के बाद आपके लिए बहुत सारे करियर के दरवाजे खुल जाते हैं, आप किसी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप किसी मेडिकल स्टार्टअप में जॉब कर सकते हो बिकॉज दे नीड समवन फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी प्रोग्राम ऑफ WHO और यूनिसेफ विच इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। एंड MBA भी ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम कॉलेज से कर लिया, आपको किसी एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहिए, प्रेफरेबली IIM या फिर XLRI हो गया या जितने भी रेप्यूटेटेड MBA कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से, वहां से अगर आप करो और वहां से MBA करने के बाद ना कि सिर्फ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी बल्कि आपके लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दरवाजे खुल जाएंगे, आप इवन WHO या यूनिसेफ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनमें भी काम कर सकते हो। और अगर MBBS करते करते आपके मन में ऐसा आया कि जो डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको कैसे बनाते हैं एंड आपके लिए साइंस के प्रति कुछ ज्यादा अट्रैक्शन आ गया, क्यूरियोसिटी आ गया, तो आप अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसमें इंडिया में मेनली 2 कोर्सेस होते हैं, M.Tech और MSc इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो कि कंडक्ट कराते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, VIT हो गया, इवन IITs में भी ये सारे कोर्सेस होते हैं। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको वो सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, वो सारे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो इक्विपमेंट्स डॉक्टर यूज करता है, जैसे कि इवन बेसिक अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, MRI मशीन हो गया, तो सारे इक्विपमेंट्स को कैसे बनाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टाइम टू टाइम कैसे करते हैं, रोबोटिक्स का क्या इंक्लूजन हो रहा है इन फ्यूचर इन
वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा एंड जैसे जैसे यू नो दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरीके से अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके लिए अच्छी यू नो एक जॉब प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अगर MBBS करते करते आपको ऐसा लगता है कि जो आपका जो टीचर है प्रोफेसर है वो उतना इफिशियंटली नहीं पढ़ा रहा है और आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक टीचर बनेंगे तो ये भी एक काफी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। तो देयर आर मेनली लाइक टू ऑप्शन, MBBS करने के बाद यू नो किसी MBBS कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप किसी भी यू नो यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में एज एनी अदर सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो MBBS कॉलेज में आपको एज अ टीचिंग स्टाफ या आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होने के लिए आपके पास MD की डिग्री या DNB की डिग्री होना मस्ट है। तो अगर आपको MBBS कॉलेज में नहीं पढ़ाना, मे बी किसी अदर कोर्स में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट MSc की डिग्री होनी चाहिए। आप MBBS करने के बाद MSc की डिग्री कर लो, देन उसके बाद इंडिया में कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप्स के एग्जाम होते हैं जैसे कि नेट, सेट, CSI या नेट एग्जाम होता है। तो नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो। जैसे ही वैकेंसी आती है आप इंडिया के ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो CSIR एग्जाम होता है वो एक रिसर्च फेलोशिप एग्जाम भी होता है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जॉब तो मिलेगा ही, प्लस आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। आप एक GRF भी होते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है वो। GRF एक काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट माना जाता है इंडिया में। इसमें आप ना ही सिर्फ टीचिंग करोगे बल्कि आप अपना जो रिसर्च आपका प्रोग्राम है आपको मनचाहा रिसर्च प्रोग्राम में आपको करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपको फंडिंग करेगी, प्लस मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अगर आप रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो इसी रिसर्च वाली चीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आप अगर GRF बन जाते हो CSIR एग्जाम देने के बाद, तो इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, CCMB बैंगलोर जो है वो डायरेक्टली GRF हायर करता है। एंड वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें कि आप अपना यू नो इंक्लूजन दे सकते हो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं लाइक CCMB बैंगलोर जो कि डायरेक्टली MBBS ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च वर्क। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है होपफुली। एंड अगर फिर भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको अब्रॉड MBBS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जाननी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आई एम हियर। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया और ऑन माई व्हाट्सएप। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स एंड व्हाट्सएप चैट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू समवन जो कि बोलता है कि अब्रॉड MBBS करने के बाद सारे रास्ते आपके क्लोज हो जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू दैट पर्सन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।